देव जैसा नहीं देव। मनु भैया, मैं आपका वीडियो बहुत टाइम से देख रही हूँ, 2020 में सितंबर महीने से। और जब आपने वो विधि, मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने ये देखा कि आपने अपने अंदर नेगेटिविटी चेक करने की जो विधि बताई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने एक दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया और उसी दिन मुझे वो नेगेटिविटी मेरे शरीर से वो बाहर आ गई और मेरे दाहिने हाथ और पांव अचानक कंपन से होने लगे। तो मुझे महसूस हो गया कि मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है। और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर मम्मी ने मुझे कहीं झाड़ा लगवाने के लिए लेके गए। तो वहाँ पर जब दिखाया मुझे, तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी हवा, मतलब किसी प्रेत का हवा लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे झाड़ा लगाया, फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होने लगा और फिर मुझे झाड़ा लगाने के बाद में भी मुझे आराम नहीं हुआ। दो दिन बाद, उसके कुछ दिन बाद ही आपका साधना शुरू होने वाली थी, तो उसके बाद मैंने वो साधना में मेरा मन किया कि मैं भी करूं। उसके बाद जिस दिन आपने साधना का, जिस दिन शनिदेव महाराज की साधना शुरू हुई, उस दिन मैंने भी किया। और मेरे कंधे में, इस राइट साइड के कंधे में मेरे बहुत दर्द थे, मैंने डॉक्टर के पास इलाज भी करवाया और उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। और उसके बाद जब मैंने आपका वो शक्तिपात का जो साधना का था शनिदेव महाराज का, उस दिन मैंने भी शनिदेव महाराज की फ़ोटो लगाई और उसके बाद मैं दिया और दो अगरबत्ती जला के मैं भी साधना में बैठ गई। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया 2 घंटे के लिए, उसके बाद जब मैंने 2 घंटे जाप किए, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा शरीर में 2 बार वाइब्रेशन हुए बहुत तेज़ी से। और मुझे नहीं पता ये क्या था, मैं तो डर गई थी, पर मुझे कुछ देर के बाद फिर से हुए। और इसी तरह मेरा वो शक्ति हुआ, शनिदेव महाराज की कृपा हुई मुझ पर। उसके बाद मैंने सुबह फिर से मैंने पूजा में बैठी और फिर से मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया और उसके बाद मेरे शरीर पूरा हल्का हो गया। उसके बाद मैंने धीरे हल्का हो गया, फिर मैं प्रतिदिन वो जाप करने लगी। आपने जैसा जाप बताया था, मैं हर दिन जाप करती थी। और जाप करते वक्त जब मैं रात में 2 घंटे जाप करती थी, उसके बाद मेरे आज्ञा चक्र में यहाँ पे वाइब्रेशन होते थे और वाइब्रेशन होने के साथ ही मेरे पूरे सर और पूरा कंधा पूरा हिलने लगते थे, जैसा कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। और साधना के दौरान, उतने दिन साधना के दौरान मुझे बहुत सी परेशानियाँ हुई, मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ें आती थी, आँख बंद थे और मैं मंत्र जाप करने के दौरान मुझे ऐसा लगता कि पीछे से कोई धक्का दे रहा हो और मुझे मेरा शरीर पूरा झूलने लगता था सिर से लेकर कंधे तक। और साधना के और मंत्र जाप के दौरान ही रात में जब मैं मंत्र जाप करने बैठती थी, तब मुझे बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आती थी। फिर भी मैं, कितनी भी आवाज़ आती थी, मैं अपनी आँख नहीं खोली और मंत्र जाप लगातार करने लगी। उसके बाद आपने जो दीपदान की विधि बताई थी, मैंने दीपदान की विधि की, दीपदान किया और शनिदेव महाराज से प्रार्थना की मेरे हर दुख कष्ट दूर हो जाए। उस दीपदान का चमत्कार इतना हुआ कि मेरे कंधे में जो दर्द थे, वो दर्द धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और मैंने वो दीप दान किए, दीप दान से मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद मेरे कंधे का जो भी दर्द था वो ख़त्म हो गया। और जब भी मैं दीप दान करती, जैसे मैं दीपक को हाथ लगाती, मेरे कंधे में वाइब्रेशन होने लगते। और जब मैं जाप करती, जाप करने के दौरान मुझे बहुत से मेरे आँख में, जब मैं माता के जाप कर रही थी उस टाइम मेरे आज्ञा चक्र में बहुत तेज से वाइब्रेशन हो रही थी, बहुत तेज से रोशनी आ रही थी। और इसी तरह मैं जब भी जाप करती हूँ, मेरे आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होने लगते हैं और वाइब्रेशन होते हुए यहाँ पे बीच में आके रुक जाती है। और उसके बाद मेरे आँखों के आगे बहुत तेज़ से रोशनी
मुझे महसूस होती है। मेरे अनुभव बस इतना सही है मनु भैया, मेरे कंधे में वाइब्रेशन क्यों होती है मुझे नहीं पता, मेरे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हुई है या नहीं मुझे नहीं पता, शनिदेव आप देख के बताइए मनु भैया। मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।